Bismillahir Rahmanir rahim Assalamu alaikum. Good morning, students. This is me, Ms. Rafia, the maths teacher from New Ikrai School. I am delivering the maths lecture to class 4th. Come to page number 15 on your books. Okay, today I am solving the word problem on the topic of multiplication. I have a question. एव वन बुक ऑफ स्टिकर्स कंटेंस सेवेंटी एट स्टिकर्स हाउ मैनी स्टिकर्स विल बी विल दियर बी इन फाइव बुक्स सिम्पल वर्ड्स में इसका मतलब है हमारे पास एक् बुक है जिसमें सेवनटी एट स्टिकर्स है ऐसे ही फाइव बुक्स हों तो उसमें कितने स्टिकर्स होंगे टोटली एक् बुक में सेवेंटी एट है तो अगर फाइव बुक्स हो तो के, कितने स्टिकर्स होंगे इसके लिए हमने क्या करना है हमने फाइव को सेवेंटी एट के साथ मल्टीप्लाई करना है लेट स्टार्ट द क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सल्यूशन गिवन है हमारे पास वन बुक इज इक्वल टू सेवेंटी एट स्टिकर्स अगर हमारे पास फाइव बुक्स हो तो हमने सेवेंटी एट को फाइव से मल्टीप्लाई करना है लेट मल्टीप्लाई इट सेवेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फाइव हमने फ़ाइव का टेबल पढ़ना है फ़ाइव वन ज़ा फ़ाइव फाइव टू ज़ा टेन फाइव थ्री ज़ा फ़िफ्टीन फ़ाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फाइव फ़ाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स ज़ा थर्टी फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव फाइव ऐट ज़ा फोर्टी फोर्टी हमारे पास आ गया जीरो इधर लिख लेना है क्योंकि ये वंस में आते हैं वंस वाला डिजिट हमने इधर लिखना होता है और जो टेंस वाला डिजिट है वो हमने कैरी करना होता है तो फोर हम कैरी कर लेंगे अब है हमारे पास फाइव सेवन या थर्टी फाइव थर्टी फाइव के ऊपर हम फोर और प्लस करेंगे ये जो कैरी में हमने लिखा है ये हम थर्टी फाइव के ऊपर प्लस करेंगे तो थर्टी फाइव प्लस फोर वन टू थ्री फोर थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन हमारे पास थर्टी नाइन आंसर आ गया तो हम थर्टी नाइन इधर लिखेंगे सेवन के नीचे हम नाइन लिखेंगे क्यों और थ्री हमने इधर लिखना है आंसर हमारे पास आ गया है अब है फाइव बुक्स इज इक्वल टू थ्री नाइन्टी स्टेकरस इट मीन्स हमारे पास फाइव बुक्स में थ्री नाइन्टी स्टेकरस हैं सो दिस इज ऑल फॉर टुडे